अरे नायरा, तुम इतना बन सवर कर क्यों खड़ी हो? आज मेरी बारी है। आज कार्तिक जी मेरे साथ रहेंगे। चल चुप कर जाओ, मेरे कार्तिक का नाम मत लो। उन्होंने मुझसे लव मैरिज की थी, जबकि तेरी शादी तो माँ जी ने करवाई थी उनसे। हाँ, क्योंकि मैं अब उनकी पत्नी हूँ और नायरा तो अब उनकी पत्नी नहीं रही। कार्तिक ने दो शादियाँ कर रखी थी। उसकी एक पत्नी का नाम नायरा था, जबकि दूसरी पत्नी का नाम वेदिका था। वो दोनों हमेशा आपस में कार्तिक को लेकर लड़ती रहती थी। कार्तिक ने नायरा से लव मैरिज शादी की थी। वो दोनों बहुत ऐसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे, तब भी नायरा की सास ने कार्तिक की शादी वेदिका से कर दी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जब कार्तिक नायरा के साथ प्यार कर रहा था, तो मैंने तुझसे कहा था कि आज मेरी बारी है, तू मेरे कार्तिक के साथ क्या कर रही है? वेदिका, नायरा मेरी पसंद है, खबरदार जो कभी नायरा से ऐसी बात की। तुम अभी हमें अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा वहाँ पर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में गोपी और राशि नाम की दो बहनें रहा करती थी। एक दिन गोपी और राशि दोनों के लिए अहम और जिगर नाम के दो लड़कों के रिश्ते आते हैं। अहम पढ़ा लिखा भी था और देखने से हैंडसम भी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब था, जबकि दूसरी तरफ जिगर बहुत ज़्यादा अमीर और पैसे वाला था। जिगर और राशि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और दूसरी तरफ अहम और गोपी, ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और फिर एक दिन, अरे गोपी दीदी, तुम्हें पता है जिगर के बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा बिजनेस भी है, उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, मैं तो बहुत खुश रहूँगी। मुझे चिंता तो आपकी है, क्योंकि अहम जीजू तो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास तो खुद की बाइक भी नहीं है। अरे राशि, तुमसे किसने कह दिया? वैसे भी अमीरी और गरीबी ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, इंसान का अच्छा होना और सच्चा होना मायने रखता है। और यूँ अहम और गोपी दोनों की शादी हो जाती है, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिगर और राशि, इन दोनों की भी शादी हो जाती है। राशि बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। अरे राशि, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, हमें इस घर से अभी कभी निकलना है, इस घर का मालिक आने वाला है। अरे ये आप क्या कह रहे हो, ये घर तो हमारा है, फिर इस घर का मालिक क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मैं इस बंगले का मालिक नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बंगले का ड्राइवर और माली हूँ। मुझे तुम अच्छी लगी थी और मैं जानता था कि तुम किसी गरीब से शादी नहीं करोगी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब जब हमारी शादी हो चुकी है, तो बस तुम जल्दी जल्दी पैकिंग करो, हमें हमारे झोपड़े में जाना है। मालकिन बहुत सख्त है, अगर उन्होंने तुम्हें इस लिबास में यहाँ पर उनके बेडरूम में देख लिया ना, तो फिर शामत आ जाएगी। और फिर यूँ जिगर राशि को एक झोपड़े में ले आता है। गोपी बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं रहा जाता इस झोपड़े में, चलो मैं तुम्हें मेरे घर लेकर चलता हूँ। आपका घर तो यही है, मतलब हमारा घर, हम दोनों का घर, फिर और कौन सा घर है, और आपने घर को झोपड़ा क्यों कहा? गोपी मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी का MD हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं चाहता था जिस लड़की से मेरी शादी हो वो लालची ना हो। मेरी प्रॉपर्टी को देखकर काफ़ी लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने एक फैसला किया कि मैं गरीब बनकर एक लड़की से शादी करूँगा और वही होगी मेरी हमसफर और जीवन साथी, वो तुम हो। यूँ अहम गोपी को एक बहुत बड़े महल के सामने लाता है। गोपी ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है और वो खुश थी कि उसकी किस्मत ने उसे कैसे और कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ राशि बेचारी अब झोपड़े में रहती थी और गोपी महलों में रहती थी। दोस्तों ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता, बस जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। देखो अब मैं झोपड़े में रह रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करो।